राशि आती है मेष, जो राशि चक्र की सबसे पहली राशि है। इसके स्वामी मंगल हैं, जो कि स्वभाव से थोड़े उग्र भी हैं और चंचल भी हैं। अब उग्र होने के कारण ये क्रोधित भी हो सकते हैं, किसी बात पे सुना भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी उस बात को भूल भी जाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं। तो इनके लिए मेष राशि वाला पार्टनर, कर्क राशि वाले और मिथुन राशि वाले पार्टनर बहुत अच्छे होंगे। राशि चक्र में दूसरी राशि आती है वृषभ। ये जो राशि होती है इसमें हमेशा उच्च बातें, अच्छी बातें, इनकी लाइफ में गलत बातों के लिए जगह ही नहीं होती है। तो इसलिए ये जो निर्णय लेंगे बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। और इनकी जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अपना मन बदलते नहीं है। फिर अगर इनने किसी को एक बार पसंद कर लिया तो ये फिर मन नहीं बदलेंगे, ये लाइफ टाइम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, उसका साथ देते हैं। तो इनके लिए वृषभ राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि श्रेष्ठ होती है। इस राशि के पार्टनर्स कभी नहीं एक दूसरे का साथ छोड़ते। राशि चक्र में तीसरी राशि आती है मिथुन, जो कि खुद एक जोड़े में दिखती है। इसकी सबसे अच्छी विशेष बात ये होती है कि बातों को समझने के लिए तैयार रहते हैं, ये बातें सुनते हैं पहले और उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो इस राशि के लिए ज़्यादातर राशियों के ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे मिथुन के लिए मिथुन, कन्या, सिंह, मेष, वृषभ राशि इनके लिए श्रेष्ठ रहती है। राशि चक्र में आती है चौथी राशि कर्क, मनस्वी राशि है। यहाँ पे चंद्रमा खुद अपने घर में स्वगृही होती है और जो मन का स्वामी है अगर वो मजबूत है तो वो अपने मन को भटकने नहीं देता। अगर उसने एक बार अपने पार्टनर से कमिट कर दिया तो वो लाइफ टाइम उसका साथ निभाता है। तो कर्क राशि के लिए श्रेष्ठ राशि है कर्क और मेष। राशि चक्र में पांचवी राशि आती है सिंह। ये थोड़ी सी क्रूर राशि इसको संज्ञा दी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसे हम क्रूर ना समझें, अपने निर्णयों के लिए स्ट्रॉन्ग निर्णय को मनाने के लिए और मनवाने के लिए मानी जाए तो ज़्यादा उचित होगा। तो अगर इन राशि वालों ने अगर अपना निर्णय ले लिया तो ले लिया। इनके लिए श्रेष्ठ राशियां होती हैं सिंह और मिथुन। राशि चक्र में छठी राशि आती है कन्या, जो कि एक समझ को दर्शाती है। और इसके लिए उपयुक्त जो राशियां हैं वो हैं मिथुन और स्वयं कन्या। कन्या राशि जो समझ है और वही समझ वो अपने विपरीत पार्टनर से भी चाहती है, इसलिए इनके लिए मिथुन और कन्या राशि ही उचित है। राशि चक्र में सातवीं राशि आती है तुला, जो एक बैलेंस की राशि होती है। और इसमें जो विपरीत पार्टनर चाहेगा वो भी बैलेंस चाहिए उसको। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसे हर चीज़ बना के रखनी है, चाहे वो खुद के रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, इसलिए उसमें वो 19-20 भी नहीं चाहेगा। तो इस राशि के लिए श्रेष्ठ राशि होती है तुला। राशि चक्र में आ जाते हैं आठवीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक ठोस निर्णय के लिए जानी जाती है और ठोस निर्णय वही ले सकता है जिसमें उससे लेने की क्षमता। तो इसके लिए भी वृश्चिक राशि का ही पार्टनर श्रेष्ठ और उचित होगा, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, इनकी लाइफ में पीछे पलट के चलना नहीं होता। राशि चक्र में आती है नौवीं राशि धन। धन धर्म ज्ञान कानून इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है धन राशि। तो ये अपने प्रेम संबंधों के लिए उतनी खास नहीं जानी जाती, क्योंकि ये अपने बड़ों के निर्णय पे चलते हैं। और अगर फिर भी अगर इनको प्रेम हो जाए किसी दूसरे तीसरे ग्रहों के कारण, तो इनके लिए श्रेष्ठ कर इनके धनु राशि का ही पार्टनर बनाना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि यहाँ पे लव
विद अरेंज मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राशि चक्र में दसवीं राशि आती है मकर, जो कि गहरी सोच, गहरे निर्णय के लिए जानी जाती हैं, और ऐसे राशियों के लिए पार्टनर्स सिर्फ मकर राशि में ही मिल पाएंगे, क्योंकि हर किसी का स्वभाव ऐसा ना हो नहीं होता कि वो गहरे निर्णय ले सकें, गहरी सोच वाले हों, भविष्य को ध्यान में रख के काम करते हैं। तो इनके लिए उचित होती है मकर राशि के लिए मकर राशि का ही पार्टनर ढूंढना उपयुक्त होता है, और इनका जो रिलेशन है वो आखिरी सांस तक चलता है। अब राशि चक्र में हम आ जाते हैं ग्यारहवीं राशि। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ एक घड़ा है राशि में, जिसका चित्र दिखाया जाता है। अब इस घड़े से क्या निकलेगा ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे जो कुंभ राशि हो जाती है, यहाँ पे अपने पार्टनर को समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी उस पार्टनर के लिए लगेगा नहीं यार ये तो सब सही है, और एक ही क्षण में लगेगा यार ये अभी तो सब सही था, कैसे सब गड़बड़ होता है। तो कुंभ वालों को समझना कुंभ वालों की बस की बात है, और जो उच्च बुद्धि मनस्वी वाला होता है वो होती है वृषभ राशि। तो इसलिए इस राशि के लिए श्रेष्ठ हो जाती हैं कुंभ राशि और वृषभ राशि। और जो कुंभ राशि वाले हैं वो अगर इन राशि के पार्टनर्स को बनाते हैं तो इनका जो रिश्ता है हंसी मजाक के साथ बहुत अच्छे से यापन होता है। अब आ जाते हैं राशि चक्र की आखिरी और बारहवीं राशि, जो कि है मीन, जिसमें जो चित्र में दिखाया जाता है एक मछली दूसरे मछली के पीछे चल रही है, गोल घूम रही है। ये एक दूसरे से एक जैसा ही बर्ताव की उम्मीद रखते हैं। एक बर्ताव से तात्पर्य यहाँ ये आ जाता है कि अगर हम उसे इतना प्यार कर रहे हैं तो वो भी हमसे कम से कम इतना प्यार तो करे। वो जो दे रहा है वो चाहता भी है उससे। तो इसलिए मीन के लिए श्रेष्ठ कर मीन राशि ही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के स्वभाव में ढले होते हैं और एक दूसरे के स्वभाव को बहुत आसानी से अपना लेते हैं और अपने जीवन को उसी क्रम में जीते जाते हैं और चलते जाते हैं। और ये जो राशियां मैं आपको बताया हूँ, बस इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मांगलिक दोष ना हो। इसके अतिरिक्त किसी भी ज्योतिषी को या किसी को भी कुछ न बताने की ज़रूरत है न पूछने की ज़रूरत है। आप निस्संदेह इन राशियों के साथ अपनी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ सकते हैं।